एग्जाम चाहिए, हम लोग लिखित और निश्चय चाहिए, और डीओडी से डीओडी का हम लोग विरोध करते हैं, डीओडी हम लोग नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया, 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है, एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और टीओटी वापस लिया जाए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा थोड़ी, इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है, 3 साल ले ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, चारों तरफ से प्रतिबंध है, बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा, सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा।